सस्त्रीकाल जी, तुसी देख रहे हो चैनल शान पंजाबी। हुणे हुणे एक वड्डी खबर सामने आ रही है इजराइल अते फिलिस्तीन नूं लैके। इजराइल विच 12 सालां तों बाद नवां प्रधानमंत्री बनन दे बावजूद भी फिलिस्तीन दा दुश्मनी विच कोई फर्क नहीं पिया। जंगबंदी तों कुछ हफ्तियां बाद मुड़ तों हिंसा भड़कण दा खतरा पैदा हो रहा है। इजराइल अते फिलिस्तीन विच आले जंगबंदी कुछ दिनां विच खत्म हो गई। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी उत्ते फिलिस्तीन सुरक्षा बलां दे हवाले नाल कहा है कि इजराइल ने गाजा उत्ते हवाई हमले किए हैं। चश्मदीदां दे अनुसार बुधवार सवेरे फिलिस्तीनी अतवादियां ने दक्षिणी इजराइल वल अग दे गुब्बारे भेजे, जिस तों बाद इजराइल ने गाजा उत्ते हवाई हमले किए। एक निजी न्यूज चैनल वालों ट्विटर उत्ते शेयर की इस वीडियो मुताबिक गाजा पट्टी के खान यूनिस विच रात दे आसमान नूं इक धमाके दा नजारा जदों इजराइल ने फिलिस्तीनी इनक्लेव ते गोलियां चलाईयां सन। इजराइली हवाई सेना दा कहना है कि ओह गाजा तों दक्षिणी इजराइल विच भेजे गए अग दे गुब्बारियां दा जवाब दे रही है। इस तों पहला मंगलवार नूं सैकड़े इजराइली राष्ट्रवादी वल्लों शक्ति प्रदर्शन दे रूप विच पूर्वी यरूशलम विच परेड कीती सी। इस घटना तों बाद गाजा पट्टी विच हमास दे अतवादियां नाल जंगबंदी तों कुछ हफ्तियां बाद मुड़ तों हिंसा भड़कण दा खतरा पैदा हो गया। एक निजी चैनल वल्लों शेयर कीती वीडियो विच कहा गया है कि इजराइल ने गाजा विच ताजे हवाई हमले शुरू करन तों पहला इजराइल विच भेजे अग दे गुब्बारियां दे जवाब विच हजारां इजराइल दे सज्जे राष्ट्रवादी पूर्वी यरूशलम विच इक जलूस विच मार्च कीते। एह ताजा घटना 21 मई नूं होई जंगबंदी दी उलंघना है। इजराइल दा एह हमला जंगबंदी समझौते तों बाद पहली वड्डी घटना है। हालांकि अजे एह स्पष्ट नहीं होया कि हवाई हमले विच जान अते समग्री दा किन्ना नुकसान होया। इजराइल दी 12 सालां नेतन्याहू हुकूमत दा अंत हो गया है अते सज्जे पक्खी यमिना पार्टी दी नेता 49 सालां नफ्ताली बेनट नवां प्रधानमंत्री बन गया है, पर फिलिस्तीन नाल दुश्मनी नहीं बदली है। बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने इजराइल उत्ते तकरीबन 12 साल राज किया, बहुत जतन के बावजूद भी अपनी ताकत नहीं बचा सकया। नफ्ताली बेनट ने ऐतवार को इजराइल के प्रधानमंत्री का अहुदा संभालिया।